अरे दया चाय लाना भाई जल्दी। अरे आज चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हाथी भाई ने कुछ भी खाकर आने से मना किया है। किधर? क्यों? आज दांतों का चौकअप है ना। चौकअप नहीं डोबी, केचप। चेकअप, चेकअप। हाँ हाँ वही, आपको पता चल गया ना। हाँ लेकिन मुझे अपना दांत का चेकअप नहीं करवाना है। क्या? अरे क्या क्यों बापूजी, बचपन से मुझे दांत का डॉक्टर से बहुत डर लगता है। बापूजी मेरा दांत फर्स्ट क्लास ही है, उल्टा मेरा दांत देखा था भले भले लोग बोल उठते हैं, भला इसके दांत हमारे दांत से इतने सफेद कैसे। अब ज्यादा हंस मत, मैं जानता हूँ तू दांत के डॉक्टर से डरता है इसलिए दांत दिखाना नहीं चाहता। नहीं बाबूजी, मैं दांत का डॉक्टर से बिल्कुल डरता नहीं हूँ, और मेरे दांत की बात छोड़िए, दांत तो टप्पू का चेक करवाने की जरूरत है, और चॉकलेट खा खा के सब दांत बिगड़ गए उसके। अरे तो उसने कहाँ मना किया है? वो एग्जाम देने गया है, स्कूल से आते ही वो सीधा नीचे आ जाएगा। आप भी जल्दी चलिए वरना लंबी लाइन हो जाएगी। मैं नीचे जाके नंबर लगाता हूँ, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ हाँ बापूजी, चलिए ना। अरे आ रहा हूँ जल्दी। डॉक्टर हाथी। हाँ जी। काफी लोग आए हैं। फ्री चेकअप है ना? तो फिर शुरू करें? हाँ चलो। अटेंशन प्लीज, आप लोग लाइन में आ जाइए, एक एक करके आइए। आराम से लाइन से, एक एक करके लाइन में आएंगे। एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट भाई, अंजलि माता तो बोल रही है। एक मिनट, क्या अंजलि भाभी? जेठा भाई ये सब क्या हो रहा है? ये गोकुलधाम सोसाइटी है कि रेलवे स्टेशन? इतना धक्कम धक्का, भीड़ भाड़, अच्छा लगता है क्या? नहीं बराबर आपकी बात, सॉरी। ये देख तेरी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है सब। अरे हरे पीरा क्या होता है, ये भीड़ समझते नहीं कोई बात में। अभी सीधा खड़ा रहे भाई, लेडीज फर्स्ट, बराबर। आइए भाभी, ठीक है आप आइए। अंजलि भाभी आप ही लेडीज ही है ना, आप आइए पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर कुटकुटिया। ओह गुड मॉर्निंग अंजलि मेहता। हाँ मुंह खोलिए। अरे तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं चल रही, कैसे जिंदा हो तुम? अपने कान में नहीं लगाया डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। एक मिनट, डोंट माइंड, थोड़ी सांस तेज लो। काफी अच्छा मेंटेन किया है। क्योंकि मैं दिन में दो बार ब्रश करती हूँ, तीन बार मेंथॉल गागल करती हूँ, मिठाई नहीं खाती हूँ, करेले का जूस पीती हूँ। आई मेंटेन माय हेल्थ एंड माय दांत बोथ। आपको पेशेंट नहीं डॉक्टर होना चाहिए। थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट। हार्ट तो ठीक है लेकिन काफी कमजोर हो गए हो तुम, विटामिन्स की गोलियां तो लेनी ही पड़ेंगी, कल आके क्लिनिक पर से लेके जाओ। कल कितने बजे डॉक्टर साहब? कभी भी आओ, मैं तो फ्री रहता हूँ ना। ठीक है डॉक्टर। क्या अभी? सही बात है ना कोमल, क्या? हाँ आइए। नमस्ते डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर कुटकुटिया। मुँह खोलिए। हाँ एक्चुअली डॉक्टर, मैं हर तरीके के अचार बनाती हूँ, तो टेस्ट करने के बाद वो। अरे माधवी, उनको आचार नहीं बेचना है, उनको दांत दिखाने, दांत का प्रॉब्लम। हाँ हाँ वही मैं बता रही हूँ कि टेस्ट करने के बाद वो मुंह में खट्टा हो जाता है ना, तो दांत में दर्द होने लगा है। अच्छा तू भी कपड़ा हो। हाँ तो डॉक्टर मेरे दांतों में वो दर्द। आप मुंह खोलिए, मुझे चेक करने दीजिए। मैडम आपको यहाँ पे आरसी करवाना पड़ेगा। आरसी? रूट कैनाल, अंदर सड़न हो गई है ना। हाँ। तो आप एक काम करिए, ये मेरा कार्ड लीजिए। हाँ। और कल मेरे क्लिनिक आ जाओ। अच्छा ओके ठीक है डॉक्टर कुटकुटिया। हाँ नेक्स्ट। हो गया ना आपका? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर कुटकुटिया। आई नो। ओह आपको कैसे पता चला? अरे नाम जो लिखा है।
स्मार्ट स्मार्ट। हम बबीता बैठे हैं। दांत दिखाइए। प्लीज मुंह खोलिए। ओ भाई ओ डॉक्टर, आहिस्ता आहिस्ता। ओ बबीता जी है। मतलब वो पीछे ही है आप। अच्छा, बबीता जी है, फिर उसके पहले वो माधवी जी थी, उसके पहले अंजलि बाबी थी, ऐसे है बबीता जी, ऐसे बोल रहा हूँ। देखिए मैडम, आपके दांत में कोई खराबी नहीं है। थैंक यू, मैं बहुत केयर करती हूँ। लेकिन एक काम करिए, आप कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। क्यों जेठालाल? आप पूछो। क्यों आना पड़ेगा? ईयरली चेकअप के लिए। थैंक यू मैडम, प्लीज। नेक्स्ट हो गया। चलो जाओ, निकलो। मेरा बाकी है अभी। मेरा भी हो गया बाबा, थैंक गॉड। अरे भाई देखिए अपनी सेहत को, पेट आगे बढ़ता जा रहा है। बैठिए। और कैसे हैं आप? आपका तो बीपी चेक करना पड़ेगा। आइए। आई एम डॉक्टर। ये किसके साथ है? हाँ मेरे साथ है। दया मुंह खोलो, मतलब चुपचाप ऐसा मुंह खोलो। हाँ करके डरा मत डॉक्टर को। अरे क्या मैं भी है? अरे वाह, चालू है। देखिए आपके दांत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चलिए। कार्ड वगैरह कुछ नहीं? आपको कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आप परफेक्टली फाइन है। प्लीज थैंक यू। आइए चाचा जी, आइए। मुंह खोलिए। आपके तो सभी के सभी दांत खराब है। अरे थोड़े बहुत अच्छे होंगे, जरा ध्यान से देख। अरे देखिए चाचा जी, दांत के मामले में कोई तोल मोल नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर मैं हूँ या आप? तुम ही हो। एक काम करिए, आप ये कार्ड रखिए और कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, कल जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं बाबू जी, नोटू काका को बोलूंगा ना, आएंगे आपके साथ। ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते, चलो। थैंक यू। आई एम डॉक्टर कुटकुटिया। और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। कोई बात नहीं, उसमें क्या है? मुंह खोलिए। बिल्कुल, दरअसल मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। ये जो मंडप आप देख रहे हैं उसकी परमिशन मैंने ही दी है। या भीड़े, मुंह खोलिए, मतलब चुपचाप मुंह खोलिए, दांत दिखाने के लिए मुंह खोलिए। ये तो मुंह खोलिए मतलब ये सब सोसाइटी की मीटिंग की तरह सब भाषण देने लगा भाई। हाँ पता है। क्या डॉक्टर साहब, मेरी ये बाईं तरफ की जो पिछले वाली दाढ़ है वो बहुत दर्द कर रही थी पिछले हफ्ते, जरा देखेंगे यहाँ? मुंह खोलिए। और एक यहाँ पे दाईं तरफ वाली एक दाढ़ है, वो अभी दो दिन पहले कुछ खा ली था, शायद वो अटक गया है वहाँ पे। अरे जल्दी कीजिए ना, मुझे दुकान खोलनी है भाई। दुकान तो मुझे भी है। नटू काका आप इधर। आपने बोला था ना कल फ्री कैंप है, दिखा देता हूँ। तो फिर दुकान? अरे दुकान हम दोनों साथ में चलेंगे ना, एक दो घंटा लेट, इसमें क्या हो गया? चलिए डॉक्टर साहब। भाई ये भी इधर आया, बोलो। ओ यार जल्दी करो ना, ये भीड़े हिले तो ने। अरे पर वो हिल तो रहा है यार। अरे मतलब वो कुर्सी में से पूरा का पूरा हिल के बाहर निकलेगा तो लाइन आगे बढ़ेगी ना भाई। आराम से। चलो भाई मैं तो दुकान जाता हूँ। आपका चेकअप कहाँ हुआ है अभी? अरे भाई मेरा दांत फर्स्ट क्लास है, मुझे चेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों नहीं कहते जेठालाल, तुम चेकअप करने से डरते हो? हसो हसो और हसो। इधर का किया इधर ही भुगतना होता है भाई। अरे छोड़ो ना भाई, इधर ही हूँ अभी। अरे 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 बेटा इधर लाइन है, तुम्हारे पापा उधर उधर जाने का। चल क्या बेटा, लाइन में आओ ना बेटा। हाँ इधर लाइन लगी है बेटा। हाँ इधर बस, तू इधर ही रह बेटा। और टप्पू कैसे, एग्जाम कैसा गया तेरा? एकदम मस्त। हाँ बस भाई, आपका एक सीटिंग में नहीं होगा, आपको तो हफ्ते भर आना पड़ेगा क्लिनिक पर। हफ्ते भर आना पड़ेगा? कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता? अब भाई बारिश में उनका सेल लगेगा ना, तभी जाना। जा।
नहीं, रीजनेबल कर दूंगा। थैंक यू। आपका कार्ड? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, ये दांतों में भी कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कुटकुटिया है, उनसे भी आप एक बार मिल के जाइए। आइए आइए। नहीं, मुझे दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा एकदम फर्स्ट क्लास है दांत। हाँ, फिर भी एक बार चेक तो करवा लीजिए। अरे पापा डरो मत, मैं हूँ ना। अरे कौन डरता, कोई नहीं है भाई। बैठिए, आई एम डॉक्टर कुटकुटिया। भाई मोटे हो गया आपका नाम, इतनी बार सबको बोला तो कान खुले थे हमारे, सब सुना हमने। मुंह खोलिए। देखो मेरा दांत चेक करने के जो है लोखंडी दांत है भाई। देखो कुछ करना नहीं है। हाँ, फिर भी मुझे चेक करने दीजिए, मुंह खोलिए। पहले दूर से देखो खाली। हाँ क्या हुआ? आप खाना खाते हो या निगल ही जाते हो? क्या मतलब? ऐसे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। वाह, क्या दांत है आपके। देखा टप्पू, देखा? अरे लोखंडी दांत है, लोखंडी देखा। क्या है, बचपन से ना मैंने वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, वो कोई जात का व्यसन है ही नहीं। और दूसरा क्या है? अरे हाँ, नेक्स्ट। चल आ टप्पू, आजा चल। ये टप्पू मेरा बेटा। टप्पू, वेरी नाइस नेम। अरे नाम तो अच्छा है डॉक्टर साहब, लेकिन इसके दांत देखो। मुंह खोलो बेटा। और कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? उपासना। वेरी बैड। देखा देखा, सुना डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे कितना बोलते हैं, समझाते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चे माँ बाप का मानते हैं नहीं। कितनी चॉकलेट खाते, बोला चॉकलेट मत खा, दांत सड़ जाएंगे। नहीं, चॉकलेट खानी, बोला। अभी सुना डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, चॉकलेट खाओ। है? क्या मतलब? चॉकलेट खाओ मगर इतनी भी मत खाओ जिससे दांत में सड़न हो। हाँ। सीखो सीखो, अपने पापा से कुछ सीखो, दांत हो तो इनके जैसे। तो लोखंडी दांत। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर कुटकुटिया के साथ मिलकर जो आपने फ्री हेल्थ और डेंटल चेकअप कैंप लगाया, बहुत बढ़िया किया जी। और ये रोशन सिंह सोडी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से आपको थैंक यू कहता है जी। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है सोडी, ये तो मेरा फर्ज बनता है यार। हाँ वैसे डॉक्टर हाथी, आपको इस फ्री कैंप की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ है हा? क्योंकि आपने सोसाइटी के अलावा आजू बाजू के लोग भी तो आए थे फ्री चेकअप करवाने के लिए। अरे आपके तो पेशेंट बढ़ गए। सही बात है, सही बात। क्या भाई, क्या बातें हो रही है? हेल्थ एंड डेंटल कैंप की बात हो रही है। डॉक्टर कुटकुटिया का फोन आया था, वो कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे मजबूत दांत तुम्हारे हैं। सुना भिड़े? हाँ। क्या बात है अब्दुल, कोई सोडा वोडा नहीं पी रहा? किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया अभी तक। ले बोला, चल आज सबको मेरी तरफ से जीरा सोडा पिला, चल। ये हो ना बात। क्या बात है जेठालाल, थैंक यू। क्या ढूंढ रहा है भाई? ओपनर नहीं मिल रहा है। ले बोला, ला इधर ला। आप खोलेंगे? मैं खोल दे दो। ला, ये देख, ये देख भिड़े। अरे वाह, क्या बात है जेठालाल, वाकई दम है तुम्हारे दांतों में। अरे वाह। माल है यार। ना और खोलना है? नहीं, बस जेठालाल, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसे दांतों से बोतल खोल सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा हाँ, चलना तू खोल के दिखा। उसमें क्या दे? ले, ले। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होता डॉक्टर, ट्राई कर ले दो ना। आत्माराम। क्यों यार? क्या हुआ? रहने दे भाई, रहने दे। उसको खोलने के लिए मेरे जैसा लोखंडी दांत चाहिए। देख, सही बात है, सही बात है, सही बात है। दादाजी एक बार, एक बार। अरे टप्पू छोड़, लग जाएगा।
टप्पू बेटा बापू जी को परेशान मत करो। अरे टप्पू टप्पू मैंने कहा ना मैं देती हूँ, हाथ मत डालो, मैं देती हूँ। अरे आप आ गए अभी? किधर, अभी टाइम है थोड़ा। क्या आप भी मजाक करते हो? तो तू सवाल है सब। ए भाई ए, क्या कर रहे तू? अखरोट तोड़ रहा हूँ। ए भाई ऐसे अखरोट तोड़ेगा तो दरवाजा टूट जाएगा। लाना मैं तोड़ देता हूँ, वो भी अपने दांत से। हा? अपने दांतों से? तो ये देख। वाह वाह, तो एक काम करेंगे, ये सारे अखरोट तोड़ तोड़ के इसमें भर दीजिए ना, तब तक मैं मेरे दूसरे काम निपटा लेती हूँ। हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू। जाने अबे। या भाई ये बस बस ये इतना नहीं खाते, उठ उठ उठ, फिर खाना नहीं खाएगा तू। लोखंडी दांत। तो फिर उसमें क्या है ला? कैसा अखरोट है? सुपर सुपर डब कैसा अखरोट है? सुपर सुपर डब। क्या हुआ टप्पू को? अरे टप्पू को कुछ नहीं हुआ, टप्पू का पापा। टप्पू क्या हुआ? बाबू जी टप्पू ने उल्लू बनाया, ये अखरोट की जगह पे सुपारी थी तोड़ने के लिए, मैं तोड़ने गया तो मेरा दांत हिल गया बाबू जी। ये डफोड़, तेरी आंखें है या बटन है? अखरोट और सुपारी में फर्क भी नहीं समझ में आता तुझे? अरे बापू जी इसने मुझे ऐसे अखरोट के छिलके में देखो ऐसे सुपारी ऐसे छुपा के ऐसे दी, पता कैसे चलता मुझे? टप्पू। अरे दादाजी मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि पापा के दांत सचमुच में ऐसे लोखंडी है, कैसे फेंक रहे थे। टप्पू तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी दादाजी। बहुत दर्द हो रहा है। बहू जल्दी से एक काम कर, लवंग और फटकड़ी का भूखा लाकर जेठा के दांतों में दबा दे, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ जी, पर बापू जी उसके पहले डॉक्टर हाथी भाई को फोन कर दूं? अरे बापू जी बोल रहे उतना करना पहले। मेरे दांत में दर्द, मेरे दांत में, ये भगवान ये तुमने क्या किया? अरे मैं दया बापू जी टप्पू के ऊपर तो गर्व नहीं कर सकता,
एक मुझे अपना दांत पे गर्व था, वो भी तुमसे देखा नहीं गया। जेठालाल कहाँ हो? यहाँ हो। अरे क्या हाल है भाई, मैं बैंगलोर से अभी आया तो मैंने कहा सबसे पहले जेठालाल से मिलूंगा, दोस्त से मिलने की इच्छा जो होती है। हाँ अंजलि बता रही थी कि महावीर जयंती का प्रोग्राम बड़ा जोरदार रहा है भाई। हाँ कैसे नहीं होगा, तुमने जो अरेंज किया था। अच्छा हाँ ये भी बताया कि पीछे कोई चेकअप कैंप हुआ था दांत वगैरह का। हाँ हाँ और पता चला कि तुम्हारे दांत सबसे बढ़िया है, पता ही हो भाई सोसाइटी में सबसे बढ़िया दांत की। अरे अरे आ चुका हूँ ना भाभी। लीजिए ये लौंग का तेल लगा दीजिए। लौंग का तेल? क्यों भाई, लौंग के तेल की क्या जरूरत पड़ गई जेठालाल जी? Who are you? अरे इधर मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आपको हंसी आ रही है मेहता साहब? सॉरी भाई लेकिन कहानी बड़ी जोरदार थी। अरे हंसना बंद कीजिए, कुछ इलाज बताइए। अरे मैं क्या इलाज बताऊं, अब डॉक्टर हाथी को फोन करते थे वो कोई इलाज बताएंगे अभी। हाँ मैंने तो पहले ही बोला था। अरे क्या बोला था? अरे डॉक्टर हाथी को पता चलेगा तो फिर पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा मेहता साहब, और फिर सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मेहता साहब आप तो लेखक, कुछ इलाज बताइए ना। अरे लेखक हूँ जादूगर नहीं हूँ, क्या छड़ी घुमाई और दर्द गायब? अरे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर करेगा। डॉक्टर हाथी से बात कीजिए भाभी, मैं लगाता हूँ। हेलो हाथी भाई। कौन बताइए मैं कौन हूँ? मैं आपकी सोसाइटी में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा भारती बहन? नहीं मैं वो हूँ जिसके पति के साथ सब लड़ते रहते हैं। माधवी भाभी। अरे नहीं अभी तक नहीं पहचाना। अरे टप्पू के पापा को तो मैं सिर्फ हाँ इतना बोलती हूँ ना तो भी पहचान लेते हैं। दया भाभी। सही पहचाना। अभी आवाज पहचानने का खेल बंद कर, इधर ला, इधर ला। हेलो हाथी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। वो बापूजी के दांत में दर्द है तो उसके लिए दवाई होगी आपके पास? मैं अभी गोली के हाथ से दवा भिजवाता हूँ। ठीक है चलेगा। हाँ अरे ये क्या, आप झूठ बोले, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? और सुंदर को तो झूठ बोलने वाले लोग पसंद ही नहीं है। अरे तू चुप रहेगी, अभी इधर दांत में दर्द आ रहा है, तू बोलती है तो और दर्द बढ़ रहा है। अरे जेठालाल एक मेरी बात सुनो, अभी ये दवाई आ जाए वो ठीक है, लेकिन कल हम दांतों के डॉक्टर से मिलेंगे और उन्हें तुम्हारे दांत दिखा देंगे। ओके? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, दांत के डॉक्टर बहुत जालिम होते हैं। अरे उसको खाली दांत दिखाने जाओ तो दांत खींच लेते हैं। देखो मैं आज तक आज तक कभी गया नहीं हूँ और कभी जाऊंगा भी नहीं। दरअसल दांत के डॉक्टर से मुझे बहुत डर लगता है मेहता साहब। क्या जेठालाल बच्चों की तरह बात करते हो, फालतू का डर है, कुछ नहीं होता है, हमें दिखाना बहुत जरूरी है तुम्हारे दांत। ओके चल निकलता हूँ। ओके गुड नाइट, बाय भाभी। आप तब तक ये तेल लगा लीजिए ना। ये दोनों ठीक रहेगी। गोली गोली बेटा। हाँ बोलो। गोली कहाँ है? क्या काम था? जेठालाल का फोन आया था, चंपक चाचा के दांत में दर्द है इसलिए गोली के हाथ से दवा भिजवानी थी। गोली पढ़ाई कर रहा है तुम्हें पता है ना उसके एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं दवा देने गया कोमल तो कल सुबह हो जाएगी। समझ गई, मुझे दो मैं देकर आती हूँ। हाँ सही बात है। हाँ एक बात याद रखना। हाँ। ये रात को ही लेनी है ठीक है? अच्छा ये लो। हाँ कोमल। हाँ। अगर दया भाभी ने खाने में कुछ अच्छी आइटम बनाई हो ना तो लेके आना ना प्लीज। हंस प्लीज। अरे दया। हाँ। वो गोली होगा तो उससे दवाई लेके दरवाजे से ही उसको भगा देना। हाँ। अरे आइए 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 कुमल भाभी आइए। अरे आप यहाँ क्यों आए, मुझे कहा होता तो मैं आ जाती। अरे कोई बात नहीं,
चाचा जी वो सो रहे, दांत में दर्द है ना इसके लिए। अच्छा, पर आप इस तरह से क्यों बात कर रहे? आपके भी दांतों में दर्द है क्या? नहीं नहीं, वो बापूजी को कितना दर्द हो रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो चाचा जी को दवाई देनी थी ना, तो बताना था। हाँ तो मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। मैं दे दूंगा। अच्छा, और चाचा जी सो गए हैं ना, प्लीज उनको उठा के पहले दवाई दे देंगे। अरे कोमल भाभी, चाय कॉफी पी कर तो जाइए। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ओके चेटा भाई, अरे हाँ ये लीजिए। बाय दया, जल्दी से पानी ला। हाथी भाई की गोलियां कुछ असर करे तो अच्छा है। लीजिए। अब सो जाइए। इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद। सुनिए, मुझे और सुंदर को जब नींद नहीं आती थी ना, तो माँ लोरी सुनाती थी, फटाक से नींद आ जाती थी। लोरी सुनाऊं? अच्छा बाबा, सुनाती हूँ। याद तो करने दीजिए। वो तो हाँ, अरे टप्पू के पापा सो गए क्या? अरे देखा लोरी का असर, मैंने लोरी गाई भी नहीं और ये सो गए। कल रात को मेरी लोरी से नींद आ गई थी ना। जा जा वे। लोरी से नहीं, वो दवाई है उसकी वजह से नींद आ गई। अच्छा अच्छा, नाश्ता तो कीजिए। हाँ। क्या है ये? चकली। अक्कल है तेरे में दया, मेरा दांत दुख रहा है, नरम नरम पाव देना चाहिए चाय के साथ, तू चकली दे रही है नाश्ते में। अगर ये चकली मैं ना खाई तो मेरे मुंह में खून की नदियां बहेगी। मतलब अभी भी दर्द है? हाँ, अभी भी दर्द है। अरे भाई, तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। अरे कितनी बार बताऊं, दांत के डॉक्टर से मुझे डर लगता है। क्यों, डॉक्टर से डर लग रहा है? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? उसमें डरने क्या बापू जी, डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंस्पेक्टर थोड़ी। ओ मैं देखता हूँ, शाम तक अगर दर्द नहीं गया तो मैं दुकान से आते आते डॉक्टर के पास होता आऊंगा। अरे शाम को क्यों, अभी डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे अभी दुकान जाना जरूरी है, अभी IPL के मैच शुरू होने वाले हैं ना, तो एक टीवी कंपनी का सेल्स ऑफिसर अच्छी अच्छी स्कीम समझाने के लिए दुकान पे आ रहा है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। नहीं पापा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। टप्पू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे नाश्ता नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, तेरी एग्जाम है, फिर पेपर लिखने की ताकत कहाँ से आएगी। इधर इधर इधर, ऐसा है वो प्रायश्चित बातचीत नहीं हो तो ठीक है होते। ले नाश्ता कर ले। नहीं पापा। ले, ले बेटा। टप्पू सॉरी पापा। ठीक बाबूजी, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ चल, मुझे भी रास्ते में देरा सर छोड़ देना। हाँ चलिए बाबूजी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सॉरी पापा। अरे ठीक है बेटा, चलो टप्पू बेटे नाश्ता कर लो, चलो चलो चलो। हाँ ये लो। मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात चुप रहने में कभी कभी समझदारी होती है। अरे डॉक्टर आती, मिसेज आती, आज सुबह सुबह पूजा। हाँ क्या बात है, आज कुछ खास बात है? वो क्या है मेहता साहब, फ्री हेल्थ चेकअप तो हो गया, अब पेशेंट के लिए ऊपर वाले से कुछ। हाँ बात सही है, आपके पेशेंट भी बड़े इंपेशेंट है, बहुत जल्दी भाग जाते हैं। अरे जेठा भाई। अरे क्या हाल है जनाब के, कैसा है? बस
मजे में हो? जेठालाल, डॉक्टर कुटकुटिया का फोन आया था, आपके दांतों के बारे में बात हुई। उनको कैसे पता चला मेरे दांत के बारे में? अरे कैसी बात करते हो तुम, वो तो तुम्हारे दांतों की तारीफ करते थकते नहीं। उनके पास जो मरीज आते हैं ना, वो तो तुम्हारा ही एग्जांपल देते हैं कि दांत हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। अच्छा चाचा जी, अभी आपके दांत का दर्द कैसा है? मुझे कब दर्द हुआ? अरे कल रात को दवाई तो भिजवाई थी आपको। कौन सी दवाई? बाबूजी लेट हो रहे हैं, निकले। एक मिनट भाई, ये कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? अरे चाचा जी, अरे तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर दवाई की नहीं बात करेगा तो किसकी करेगा है? ऐसे ही कुछ। हाँ चलिए आप चलिए। सुनिए डब्बू के पापा, माँ का फोन था, कह रही थी कि दांत के डॉक्टर को जरूर मिल लेना। ठीक है भाई, मिल लेंगे, अभी दुकान जाना जरूरी है भाई। आइए बाबू जी। अरे ओ व्यापारी जेठालाल, क्या हमेशा दुकान दुकान करते रहते हो? या पंचा, तुमको क्या इतना भाई, तू शांत रहना भाई। हाँ जेठालाल, अगर एक दिन दुकान लेट से चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे चाचा जी को डॉक्टर के पास लेके जाओ। या भाई, मुझे क्यों लेकर जाना है, हैं? दर्द तो जेठिया के दांत में है। क्या क्या? ओहो, जेठालाल आपके दांतों में दर्द, वाह क्या बात, मजा आ गया। मतलब ये हुआ कैसे? अरे बोलो बोलो, चुप क्यों हो? क्या मौनम सर्वस्य? अच्छा अच्छा, दैब अभी क्या आप बता सकती है कि इनके लोखंडी दांतों में जंग कैसे लग गया? भीड़े भाई, हुआ यूं कि ये दांत से सुपारी को अखरोट समझकर तोड़ने गए, उसमें दांत ही हिल गया। हो गई शांति, पड़ गई कलेजे में ठंडक, अभी टीवी में भी बता दे मेरे दांत में दर्द है। क्या आप भी ऐसा थोड़ी ना टीवी पर बताते हैं? नॉनसेंस। बाबूजी चल चल भाई चल। नमस्ते जितेंद्र, हम भी चले। दस बजे का बोला था, अभी तक वो सेल्स ऑफिसर आया नहीं है। अरे हाँ सेठ जी, वो ऑफिसर का फोन आया था, वो आज नहीं आने वाला है। ये अभी बता रहे आप मुझे नटू काका? भूल गया। क्या भूल गया नटू काका? वैसे तो मुझे 5 मिनट देर हो जाती है तो 50 फोन कर देते हैं। कहाँ पहुँचे, घर से निकले कि नहीं, और कितनी देर, और आज फोन ही नहीं किया। सेठ जी, मैं जब आपको फोन करता हूँ तो आप मुझ पर चिढ़ते हैं कि क्यों बार बार फोन करते हो, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। नटू काका, आज मेरे दांत में दर्द है, मैं खास दुकान ऑफिसर को मिलने के लिए आया हूँ। आपने फोन किया होता तो मैं दुकान आता नहीं ना। सेठ जी दांत में दर्द है, आइसक्रीम खा लीजिए, ठंडक हो जाएगी। नटू काका, आप सिर्फ अपना काम करेंगे ना तो उससे मुझे और ज्यादा ठंडक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, केम छे? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। केम छे? केम छो माई? मजा मा। नटू काका, ठंडा लेकर आया ना सायरा बानू जी के लिए। अरे सायरा बानू नहीं, मेरा नाम मेहर बानू है, मेहर बानू। सॉरी। और ठंडा वंडा नहीं चाहिए? तू कुछ गरम मंगाओ, समोसा कचोरी चाय बिस्किट। अरे मुझे ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए, तुझे खाना है तू ही खा ले। ठीक है, मैं तो समोसा खाऊंगा। सेठ जी आप क्या खाएंगे? नटू काका शांत, एक मिनट। बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ आंटी? अरे मैंने फ्रिज बुक किया था, वो अभी तक इसकी डिलीवरी क्यों नहीं मिली? टुका का? क्या? भूल गया, आज शाम को चौकस पहुंच जाएगा बस। और मेरा एक काम कर देना, वो जो कुल्फी जमाने की डिब्बी होती है ना, वो भी मुझे भेज देना। नहीं वो तो हम लोग नहीं रखते हैं आंटी। बेफिक्र रहिए माई, वो भी मैं फ्रिज के साथ आपको शाम को पहुँचा दूंगा बस।
केटलो सज्जू चाहिए नट्टू? हाँ चाहिए, आपको लेकर जाओ। अरे तू पण शू मजाक करे छे, और जब फ्रिज की डिलीवरी हो जाएगी ना, मैं तभी सब पेमेंट दे दूंगी। अरे पेमेंट की मुझे कोई चिंता नहीं है, आप हमारा पुराना कस्टमर है। अरे कितलो सज्जो चे, हाँ हाँ देखा, शाम को पक्का डिलीवरी कर देना। हाँ हाँ चल आओ जे नानका। हाँ देखो भूलना नहीं, जाने आप बैठ देना। हाँ बैठ देंगे। सोचो चे, सोचो चे करके गाल सुझा दिया मेरा नट्टू काका। भाई आज से हो उनका भेज देना फ्रिज। नट्टू काका यह दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप दांत संभालिए, मैं दुकान संभालता हूँ। अरे दया भाभी, जेठा भाई का दांत कैसे है अभी? अच्छा है, लेकिन हो क्या गया अचानक? डॉक्टर कुटकुटिया तो जेठा जी के दांत की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ वो दांत से सुपारी को कुचलने गए और सुपारी ने दांत को ही कुचल दिया। अरे हमारे दांतों में एक छोटा सा कंकर आ जाते तो कैसा कैसे होता है ना दांत में। और जेठा भाई को सुपारी का पता नहीं चला? वो भोले जो ठहरे मेरे वीर सुंदर जैसे। अरे 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 आप दुकान से जल्दी कैसे आ गए? तुमको कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मैंने आपका टिफिन तो दुकान पर भेज दिया है और आप यहाँ पर आ गए। मुझे कुछ नहीं खाना है भाई। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको जेठा जी? हाँ बबीता जी बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो आप डॉक्टर कुटकुटिया को क्यों नहीं बताते? हाँ एक बार शेर के पिंजरे में बोलो तो चला जाऊं, लेकिन दांत के डॉक्टर के पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कमल भाभी, इस पे मैं बहुत जल्द अमल करूंगा। ठीक कह रहा जेठा भाई है? अच्छा आप घर पर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ ख्याल रखना अपना। ये लीजिए चीकू, खा लीजिए, ये खाने में नरम है। मेहरबानी तुम्हारी, पत्नी पति पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। अरे अगर मेहरबानी गिनना जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाए, और फिर ऐसा भी तो होता है कि कभी अभी चुप रहने की मेहरबानी करेगी तू। दया भाभी। अरे भिड़े बहन। बबीता जी आइए आइए बोलिए। नहीं थैंक यू। दया भाभी ये अजवाइन की पोटली है, इसे ना तवे पे गरम करके उनके गाल पे जहाँ पे दर्द है ना वहाँ पे सेक कीजिए। जेठा भाई आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हाश। थैंक यू। हाँ और इनफैक्ट मैं आपको जरा एक्यूप्रेशर दे देती हूँ, यू नो आपको इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। थोड़ी नहीं बबीता जी, बहुत राहत की जरूरत है। एक मिनट जरा बबीता जी को आने। एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द है? ये ऊपर का दर्द, ये जो पूरा है ना इधर बहुत दर्द कर रहा है। ओके ओके अब जरा चेहरा घुमाइए उस तरफ। आप मुझे एग्जैक्टली बताना आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है। हाँ ओके यहाँ 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 हाँ यहाँ यहाँ अरे अरे ओहो क्या हुआ, दर्द और बढ़ गया। दया कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। मैं तो अभी भी कहती हूँ दांत के डॉक्टर को दिखा दो ना। नहीं सेठ जी। अरे नट्टू काका आप? नट्टू काका आए हैं। दिख रहा है? बोल रहे हैं दुख रहा है, लेकिन दांत के दर्द की वजह से जीभ लपस जाती है तो दुख रहा है इसके बदले बोले दिख रहा है। सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा। अरे दिख रहा है ऐसा ही बोला मैंने। दया तू चुप रहे,
नटू काका बोलिए ना, क्यों आए आप यहाँ? सेठ जी, आपका दांत का दुखावा दूर हो जाए ना, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल दवाई लेके आया हूँ। दंत मंजन, देसी दंत मंजन। एक बार लगाते ही दांत गायब। मेरा मतलब है दांत का दर्द गायब। जल्दी लगाइए सर। लगाइए ना, बहुत अच्छी दवा है लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। थैंक यू, लीजिए ना जल्दी। सामान जल्दी लगाइए सर जी, जल्दी अच्छा हो जाएगा आपको। अच्छा हो गया। अरे उसी पेशेंट का एक दूसरा किस्सा सुना। एक बार उसकी वाइफ ने मायके से फोन किया, बोला मैं 15 दिनों से आई हूँ, आपके इंतजार में आधी हो गई हूँ, कब आएंगे आप मुझे लेने के लिए? तो हस्बैंड ने कहा और 15 दिन के बाद। तो यार पति बीवी को 15 दिन के बाद लेने जाएगा, इसमें हंसने वाली बात क्या है? थोड़ी तू सोडा पी ले, बाद में समझाता हूँ। अब्दुल सोडा बना। हाँ बनाता हूँ, लेकिन भाइयों आज से मैंने एक स्कीम बनाई है, 4 सोडे में 1 सोडा फ्री। वाह क्या बात है। 1, 2, 3, 4 सोडे बना दे और वो फ्री वाली सोडा भी मुझे ही देना अब्दुल। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एक आदमी 4 सोडा पिएगा तो उसपे 1 सोडा फ्री। अच्छा अच्छा अब्दुल, बेवकूफ बना रहे हो, इसपे बनाने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब आप तो होशियार है ही। अरे हाँ, वो जेठालाल और मेहता जी नजर नहीं आ रहे? अरे मेहता साहब अभी तक ऑफिस से आए नहीं, और जेठा भाई वो घर पे बैठे हैं दोपहर से दांत का दर्द लेकर। अच्छा, आज सुबह भी अपने दांत का दर्द छुपा रहा था, बहुत होशियार बन रहा था, कह रहा था कितने मजबूत दांत है मेरे, लोखंडी दांत ये, ऐसे ऐसे करके। हमको जेठालाल को देखने जाना चाहिए। अरे हाँ यार, जेठा प्रा को देखने जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो जरा देखे तो सही उसका लोखंडी दांत कैसा है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर हाथी आप रहने दो, जेठालाल का दांत का दर्द देखने के चक्कर में कि सीढ़ी चढ़ते हुए आपके पाँव का दर्द ना चालू हो जाए, आप यहीं बैठो जी। हाँ सही बात है, तो आप लोग जाओ ना जेठालाल के घर। चलो आप इधर आओ। हाँ चलो चलो देखते हैं लोखंडी दांत कैसा है। वो वेफर का पैकेट दे दे। कैसा लग रहा है सेठ जी? किधर से लेके आई है दंत मंजन नटो काका? फुटपाथ पे तंबू लगा के वो जड़ी बूटियां बेचते हैं ना, उसके पास से 5 रुपए में पूरी बोतल। पूरी बोतल इधर, मेरा पूरा मुंह जल गया। हाँ वो देखा मैंने, अब भी जाके उसके मुंह पे बोतल मारता हूँ, 5 रुपया पूरा लिया और ऐसे चालू मार बेचता है। सही है, आराम से आइए, धीरे धीरे चलिए। कुछ आइसक्रीम भी रख अपनी दुकान में अब्दुल। अरे आप ऑर्डर तो करो, आइसक्रीम भी आ जाएगी। ऑर्डर किया ना। क्या डॉक्टर आती, ऐसी क्या बेटा भी आज के अकेले चले आए, साथी कहाँ है सारे? नहीं वो सब जेठालाल के घर गए। क्यों? अरे जेठा भाई के दांत में दर्द बढ़ गया है। दर्द बढ़ गया? अरे मैंने बोला था कि डेंटिस्ट को दिखाओ यार, मानता ही नहीं है, क्या आपको बोलना चाहिए ना? अरे मैंने तो कुछ कुछ। अरे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। ओ जेठा ब्रा। जेठा लाल, अरे है क्या? ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्या आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा टप्पू के पापा पूछ रहे हैं। ओ दया पापी जी, जेठा लाल का हालचाल पूछने आया है। ओ अच्छा, तो तुम बैठिए ना। चलो चलो बड़े आइए, आओ बैठो, आओ बैठिए। जेठा लाल अब तुम्हारा दांत कैसा है? हाँ जेठालाल, वो तुम्हारे लोखंडी दांतों में दर्द कैसे हुआ भाई? क्या कर सकते, हो गया भाई दर्द दांत में। अभी दांत के दर्द के साथ साथ क्या सर में भी दर्द हो रहा है, तो कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कपड़े का डूचा ठोस दूं। अरे जेठा, अरे आप सब लोग यहाँ बैठो बैठो। आओ चाचा जी। बैठो। क्या बात है भिंडी मास्टर, सोसाइटी की मीटिंग क्या आज हमारे घर में रखी है?
अरे नहीं नहीं चाचा जी। ओ क्या है चाचा जी, हम जेठालाल की वो तबीयत देखने आए। अरे अब्दुल से पता चला कि तुम सारे लोग यहाँ हो। क्या जेठालाल दांत का दर्द ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे जेठिया मेरी बात मान, डॉक्टर को दिखा दे, अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है जेठालाल, नहीं तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी, दांत का मामला ही ऐसा है। राइट राइट राइट, मेरे अंकल को भी दांत में बहुत दर्द था, उन्होंने भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बाद में ऑपरेशन करना पड़ा। अरे अय्यर भाई, उन्होंने ऑपरेशन तो किया लेकिन मेरे चाचा जी ऐसे ही जेठालाल की तरह डॉक्टर के पास आने से मना कर रहे थे, घर में इलाज कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, सारे बाल झड़ गए। और ये तो कुछ भी नहीं यार, मेरे चंडीगढ़ वाले चाचा जी हैं, उनको भी ऐसे ही दांत का दर्द हुआ था, उन्होंने भी इलाज नहीं कराया और दांत में पस पड़ गई और वो पस पेट में चली गई, दोनों दांत तो गई गए साथ में किडनी भी। फिर बोल जेठिया बोल, ये सब सुनने के बाद भी तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है? नहीं। अरे जेठालाल कुछ नहीं होता, जहाँ पे तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है ना वहाँ आपका एरिया डॉक्टर वो सुन कर देगा और वो दांत निकाल देगा। कैसे सुन करेंगे? ऐसा फेंट मार के इंजेक्शन देके। दांत में इंजेक्शन? अरे भाई इधर हाथ में इंजेक्शन देता है डॉक्टर तो मैं ऐसा काम करता हूँ, तो दांत में तो कभी नहीं। अरे जेठालाल इंजेक्शन का ही प्रॉब्लम है ना, लेकिन चिंता मत करो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल एक सुपरफिशियल एनेस्थीसिया आया है, यूं समझो ना यार कि कोई स्प्रे है, उसको अगर करते हैं तो इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कब इंजेक्शन लग गया और कब तुम्हारे दांत का इलाज भी हो गया। ठीक, अब चलने को तैयार हो? ठीक है, मैं एक शर्त पे आता हूँ। क्या? पहले आप वो स्प्रे अपने दांत पे मारो और आप डॉक्टर से एक दांत निकलवाओ, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो मैं अपना दांत निकलवाने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, अपने दोस्त के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करते हैं। अब रहना था, जाना था। मैं तो साहब बात कर रहा हूं। अरे एक मिनट, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। तो जेठालाल मेरे दोस्ती की परीक्षा हो रही है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और निकलवाऊंगा दांत। बोलो। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था? अरे भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, अब तो तैयार हो तुम? ओ हम भी साथ में चलेंगे यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अरे क्या सब चलेंगे भाई, उधर का मेला लगा है क्या? हाँ सबको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेठा मैं आऊंगा तेरे साथ बाबूजी, वरना तू डॉक्टर के पास नाटक करेगा। और मैं भी आऊंगी। अरे तुझे वहाँ आने की क्या जरूरत है दया? ऐसे थोड़ी ना होता है, पति को तकलीफ होती है तो पत्नी साथ भी ना दे, अहमदाबाद में सब लोग मेरी माँ को क्या कहेंगे कि कैसे दामाद मेरा जो तकलीफ में रहता तो ऐसे तो फूसी साथ में दे, तो ऐसे थोड़ा होता। बस बस सौ बात की एक बात, कि मैं साथ आ रही हूँ यही ना। अरे जेठालाल अगर दया भाभी आ रही है तो आने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हाथी से अभी डॉक्टर कुटकुटिया का नंबर लेके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कल चलेंगे और तुम्हारा दांत दिखाएंगे। ओके आज अब टप्पू के पापा का दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। हे भगवान, आज टप्पू के पापा का दांत गिराना है, उनको दांत गिराने की शक्ति देना और हमें हिम्मत देना कि हम उनको डॉक्टर कुटकुटिया के पास ले जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तो हाँ बोला है लेकिन अंदर से बहुत डर रहे हैं। हे भगवान, बस इतना ख्याल रखना कि दांत गिराने के लिए वो वाइडे ना हो, अगर उनका दांत सही सलामत गिर गया तो मैं 5 जरूरतमंदों को नई बत्ती सी ले दूंगी। हाय गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी, आज अकेले जोगन। हाँ। अच्छा जॉगिंग? हाँ। नहीं नहीं, डॉक्टर आती है ना मेरे साथ। हाँ। कैसे हैं दया भाभी? चिंता में हूँ, सब आपकी वजह से। सही बात है। अरे क्या सही बात है दया भाभी,
आप डॉक्टर हाथी की वजह से क्यों चिंता में हैं? टप्पू के पापा की इस हालत के लिए हाथी भाई आपकी ही गलती है। मेरी क्या गलती है? हा? ना डॉक्टर कुटकुटी आपके दोस्त होते ना आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में दांतों का लैंप लगाते। लैंप नहीं, कैंप। हाँ वही। ना टप्पू के पापा अपने दांत दिखाने आते, ना उनके मजबूत दांतों की तारीफ होती, ना मैं उनको अखरोट तोड़ने के लिए देती, और ना टप्पू अखरोट के छिलके में सोपारी रखता और ना उनका दांत टूटता। ये सब कैंप की वजह से ही हुआ है। बताइए अब किसकी गलती है? मेरी गलती है। अरे क्या आपकी गलती है दया भाभी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन इस समय हमें जेठा भाई के दांत के दर्द के इलाज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने डॉक्टर कुटकुटिया से फोन पे बात कर ली है, आप जाके सिर्फ टाइम पे उनके क्लिनिक उनको मिल लो, वो जेठा भाई का दांत बिना दर्द के बाहर निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाथी भाई अगर आपकी बात सच हुई तो आपके मुँह में बूंदी का लड्डू। थैंक यू। अच्छा मैं जरा जाती हूँ, वो डॉक्टर कुटकुटिया को मिलने का टाइम हो गया है। अच्छा जेठा भाई को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। हाँ हाँ। और हाथी भाई सॉरी, मैंने टेंशन में आपको कुछ उल्टा सीधा कहा तो जरा माफ करना। इट्स ओके दया भाभी, इट्स ओके। दया भाभी कितनी भोली है ना, कोमल। भोली तो है पर आज बहुत बोली है। सही बात है। चलो चलो चलो। जेठा, ए जेठा, बहू। हाँ, हाँ बापूजी। अरे चलो जल्दी, क्या हुआ? जेठा कहाँ है? बापूजी वो तैयार हो रहे हैं। क्या? हाँ। वो अब तक तैयार नहीं हुआ? हाँ बापूजी, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, कब से कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं। अब तक 5 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं। अरे डॉक्टर के पास जाना है, शादी में थोड़ी जाना है। ए जेठिया। हाँ आया बाबूजी। अरे चलना भाई, कितनी देर? हाँ चलो। अरे एक मिनट। क्या हुआ? वो चप्पल पहने बूट पहन के आता हूँ। ए भाई, ए डॉक्टर को तेरा दांत दिखाना है, तेरा पैर नहीं। बराबर है, लेकिन वो पैंट शर्ट पे चप्पल अच्छे नहीं लगते। 2 मिनट, अभी आया। बहू, ये जेठिया कहीं डॉक्टर के पास न जाने के बहाने तो नहीं बना रहा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे जेठा चल जल्दी। आया बापूजी। आ गए। चलो। हाँ, एक मिनट बाबूजी। अब क्या हुआ? मेहता साहब कहाँ है? वो होगा अपने घर पे। क्यों मतलब नहीं आ रहे? मुझे पता था बाबूजी वो नहीं आएंगे। ये गलत है बाबूजी, उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबूजी, मेहता साहब नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मेहता साहब कैसे नहीं आएंगे? हाजिर है मेहता साहब, चलिए। ले मेहता भी आ गया। अब अरे हाँ, अच्छा याद है दया। हाँ? दांत की वजह से कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, तो कुछ नरम गरम बना दे, खास करके गरम गरम, तो क्या है थोड़ा सेक भी हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। सॉरी जेठालाल, असल में डेंटिस्ट के हमें बिना कुछ खाया जाना पड़ता है। सॉरी। बोल। अब और कुछ याद नहीं आ रहा है। खुद नहीं, चलिए चढ़ जा जेठा सूली पे। मिस्टर माइकल जाइए। अरे क्या जाइए, अभी तो दांत दिखाना भी बाकी है। अरे अंदर जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। आओ आओ जेठालाल आओ। चलो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बैठो बैठो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से काम रुका हुआ है। जाओ जल्दी।
अरे इधर तो है ना ड्रिलिंग मशीन से दांत निकलता, मुझे नहीं निकलना। मम्मी अरे सुनिए, अरे बाबूजी चलिए बैठिए, वो कारपेंटर है, ड्रॉअर रिपेयर करने आया है। सॉरी हाँ, इस सब के लिए सॉरी। क्या सॉरी? आपकी वजह से एक पेशेंट भाग गया। बैठो बैठो जेठालाल, बैठो तुम। सॉरी वंस अगेन, लेकिन जरा देखिए ना जेठालाल गड़ा नाम है पेशेंट का, और कितनी देर है? वेटिंग है, बैठना पड़ेगा। बहुत गुस्से में जवाब देती है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ सुना मैंने। टप्पू के पापा बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ रहा है, चुप बैठना अभी। ओ चाचा ये सुपारी मत खाओ, ये सुपारी दांत की वाट लगाती है। टप्पू के पापा एक मिनट, 10:30 बज गए। ओ ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। क्या अभी? अरे बापूजी का दूसरी बार चाय पीने का टाइम हो गया है। और रिसेस बेन? रिसेस बेन? अरे ये असल में रिसेप्शनिस्ट बोलना चाह रही है। हाँ वही, देखो एक कड़क कम शक्कर वाली अदरक वाली चाय। ये होटल है क्या? नहीं मतलब बापूजी को दूसरी बार चाय पीने की है ना, तो जरा मंगवा दो ना। रहने दो बहू, मुझे चाय नहीं पीनी है। ओ, 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 ये दाने जैसा दांत दारा सिंह का भी दम निकाल सकता हो। अरे वाह जेठालाल, द द द द हिंदी साहित्य में से अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अरे अनुप्रास को छोड़िए, इधर त्रास हो गया है। सॉरी हाँ। अरे कैसा डॉक्टर है, जो दांत निकालने के लिए आया था वो तो निकाला नहीं, फोन पे बात करते करते दूसरा ही दांत निकाल दिया। ए? अरे आप बाहर क्यों चला है? देखिए आपके दो दांतों में सड़न है, एक जिसमें सड़न थी वो तो मैंने निकाल दिया और दूसरा निकालना बाकी है। चलिए अंदर चलिए। अरे जाओ भाई जाओ, मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। यस सर। ओह जेठा भाई नमस्ते। अच्छा सर चलो मिल लिया डॉक्टर से, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, रुको रुको यार, कोई बच्चों जैसे क्या भी दांत दिखाना है। रुको रुको रुको, नहीं नहीं। आप डर क्यों रहे हो? डेंटिस्ट के पास पहली बार आए हो क्या? हाँ। बाबूराव जी आप जाइए। टप्पू के पापा जरा फोन दीजिए ना। क्यों? काम है। प्लीज रिक्वेस्ट। अरे दे रहा हूँ, खींचे में से निकलने का टाइम तो दे। हेलो। हाँ अंजलि भाभी कैसे हो? दया भाभी मैं ठीक हूँ, आप पहुँच गए डेंटिस्ट के पास? अरे आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? अच्छा मेहता साहब ने बताया। हाँ, अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हाँ कौन सी सब्जी बना रहे हैं? मेथी की सब्जी। मैडम अब फोन मोबाइल नया है, नया हम लोगों की मोबाइल की दुकान है। हाँ मोबाइल पे बात करने की मनाही है, ये देखिए बोर्ड। एक मिनट मैं पहले फोन पर बात कर लूँ ना, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ अरे हाँ अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी बोलो क्या काम था आपको? अरे हाँ ये तो बताना ही भूल गई। देखिए 12:30 बजे टप्पू स्कूल से पेपर दे के घर पर आएगा, और तब तक हम लोग घर पर ना पहुँचे तो आप हमारे घर पर टप्पू को खाना खिला देंगे। मैंने सब टेबल पर ही रखा है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं टप्पू को खाना खिला दूंगी। ठीक है थैंक यू। और मैं अनिल भाभी जेठालाल बोल रहा हूँ, बाद में फोन करते हैं। सॉरी। हाँ ठीक है जेठा भाई, थैंक यू। सॉरी।
बाबू राजू क्या नाम है इसका ब्लू साड़ी बहन जी आपका बेटा जी जरा बोलो ना टक टक बंद करो उसका टक टक से इधर मेरे सर में टक 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 हो रहा है वो क्या है ना बच्चे के दांत में बहुत दर्द है अगर खेलता रहेगा ना तो दर्द याद नहीं आएगा जीटिया खेलने दे बच्चा है वैसे इसके दांत में दर्द कैसे हुआ वो रात को खाने में ना कंकर आ गया था इनका अखरोट में आ गया मतलब कंकर नहीं सोपारी चुप रहना भाई पंचायत ओके जेठालाल जी आप जाइए हाँ हाँ चलिए चलिए चलो मैं तो कब से बोल रहा हूँ चलो घर चलते हैं चलो अरे क्या घर चलते हैं भाई कैसे समझाऊं अंदर चलो केबिन में बाबू जी तो डॉक्टर ने आपको भी बोला ना आपका भी दांत चेक करने तो पहले आप जाओ बाद में मैं जाता हूँ चल चल अबे बहाना मत बना मेरे दांत में दर्द नहीं है तेरे दांत में दर्द है जा अंदर जा आओ ये चलो चल 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 चले बाहर निकले फादर इंडिया चल खड़ा चल निकले ऐसे चलो सब ले कटी पतंग हो जाए ऐसे चल हु आर यू ये इंग्लिश पॉपकॉर्न ज्यादा फट फट मत कर समझी ना ये क्लिनिक बंद होने का समय आ गया है लेकिन टाइम तो 2 बजे तक का है ना ये तू चुप बजे किटकिटने का समझी ना बढ़िया चल ए चले ए निकल तू अपना छोटा चन्नू को लेकर चले ए चुप आवाज निकल ए क्या ये कौन है ए आप कौन है मंगल लेकिन आज तो बुधवार है ये दिमाग का दही नहीं करने का समझा ये क्लिनिक के मालिक ने हमको सुपारी दिए लाए ये सुपारी कल से मुझे नल रही है ये क्लिनिक खाली करने का है भाड़े का क्लिनिक लेके तू उस पे कब्जा किया देखिए मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है 1 साल ही हुआ है और कोर्ट में केस भी तो चालू है कानून बिनून का बात नहीं करने का मेरा दिमाग खराब होता है एक दिन में ये क्लिनिक खाली कर देना समझा नहीं तो तेरे को 32 लगाने का नौबत आएगा ये तो दादागिरी है हाँ बिल्कुल सही अरे जब वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना आप फैसला करने वाले कौन होते हैं ये इंसाफ के तराजू बीच में नहीं आना चल निकल निकल चल चलो चलो चलो, चलो। अरे क्या चलो चलो अरे एक मिनट भाई गुंडा भाई आप एक काम कीजिए ना थोड़ी देर के लिए बाहर खाना खाने के लिए जाइए तब तक डॉक्टर साहब आप टप्पू के पापा का दांत का इलाज कर दीजिए ना ये बिंदिया चमकेगी किचिर पिचिर बंद कर निकल इधर से अरे दाया मेरी दया को धक्का मारे शाबाश दे दिया थैंक यू बाबूजी अरे अरे वो गुंडे कहाँ है वो तो डर के मारे भाग गए अरे तो उनका रोका मुझे थैंक यू बोलना है क्यों अरे उन्होंने आपको थप्पड़ मारा और आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं अरे दया उनके थप्पड़ की वजह से मेरा दांत गिर गया मेरा दर्द गया हाँ
अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस है, ये तो वही हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ए डॉक्टर साहब, अब वो गुंडे भाई वापस आए ना तो उनका पता ले लेना। क्या? क्यों क्या, दोबारा इनके दांत में दर्द होगा तो सीधा उनके पास ही जाएंगे ना। चश्मा का उल्टा चश्मा।